हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये आप लोगों ने चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है 8th क्लास में, मुझे पता होगा आप लोगों को ये चीज़ याद नहीं होगी। तो इसलिए हम पहले रिवाइज करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, एंड देन उसके बाद कुछ स्पेशल फॉर्मूले हम लोग लर्न करेंगे एंड चैप्टर सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चैप्टर का। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट मीन्स क्या होता है कि सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट खरीदा एंड जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। अब इसमें कंफ्यूजन होता है व्हाट इज मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो जो एमआरपी लिखा है दैट इज मार्क्ड प्राइस और आपने जिस पे खरीदा दैट इज कॉस्ट प्राइस। नाउ आपने वो ऑब्जेक्ट को खरीदा, सपोज आपने 10 रुपीज में खरीदा और 12 में इसको सेल कर दिया, तो इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ, आपने कम के खरीदा और ज्यादा पे बेच दिया। तो जिस पे बेचा दैट इज सेलिंग प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस परचेस प्राइस सिमिलर होता है, मार्क प्राइस इज एंटायरली डिफरेंट। मे बी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस सेम हो सकता है, वो कब होगा जब आपने एमआरपी पे ही ऑब्जेक्ट को परचेस कर लिया। जिस पे सेल किया दैट इज सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिकॉज इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस। पर इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, आपका कॉस्ट ज्यादा होगा लेकिन आपने सेल उसको कम पे किया है, इसलिए लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। तो अब ये दो फॉर्मूले हमने देखे। नाउ नेक्स्ट, अगर हमको फाइंड करना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। एंड सिमिलरली लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस के अपॉन में सीपी, ध्यान रखेंगे अपॉन में सीपी ही जाएगा इनटू 100। दो फॉर्मूले जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट सेलिंग प्राइस का आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला दिख रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, बट इन केस ऑफ लॉस सीपी इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट होगा अपॉन में 100। यानी माइनस आएगा लॉस के केस में, प्लस आएगा प्रॉफिट के केस में। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगेन ये फॉर्मूला शीट और ये पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगा आपको। नाउ डिस्काउंट क्या होता है, जैसा मैंने बोला कि आप लोगों ने मार्क प्राइस पे ऑब्जेक्ट को नहीं खरीदा है, मार्क प्राइस इज डिफरेंट एंड कॉस्ट प्राइस इज डिफरेंट। सो एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस और जिस पे आपने ऑब्जेक्ट को सेल किया, सपोज आप सेलर हो तो आपके पास जो मार्क प्राइस है उस पे आपने डिस्काउंट दिया कुछ 20% 10% का एंड ऑब्जेक्ट को सेल कर दिया। सो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस इज द सेम थिंग। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम अगर सेलर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट होगा। एंड डिस्काउंट ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, मार्क प्राइस का कुछ परसेंट निकाला जाए। लाइक सपोज अगर हमने 500 का ऑब्जेक्ट देखा जिसका एमआरपी 500 है एंड उस पर हमको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 500 का 20% हम लोग फाइंड कर लेंगे एंड दैट इज रुपीज 100। सो दिस इज द डिस्काउंट। सो जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा हमारे लिए, मतलब अगर मैं बायर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सेलर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये सेलर का सेलिंग प्राइस है। सेलर ने इतने में सेल किया बायर को, बायर के लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। सेम एन एग्जांपल लिया, 1000 रुपीज 20% डिस्काउंट, तो 200, 1000 माइनस 200 इज 800, ये आ गया हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अ मैन बायज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 27.5। बायज एन आर्टिकल मींस ये सीपी है एंड सेल इट फॉर 28.6। बाय किया 27.5 पे, सेल करता है 28.6 पे, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। नाउ सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, बट क्वेश्चन में गेन परसेंट पूछा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कैसे आता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। सो द प्रॉफिट परसेंटेज 4%।
For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.